नमस्कार, आज मैं गेहूं की बुआई करा रहा हूं और ये ब्रीडर सीड के लिए गेहूं की बुआई हो रही है। राज 4238 वेरायटी में बो रहा हूं। एक्चुअली मेरा 4238 का सीड प्रोडक्शन करने का पहले इतना ज़्यादा मानस नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं राज 4037 और 4079 से मुझे कई बार लगता है कि इसका थोड़ा सा उपज कम आती है। बट परिस्थितियाँ अब ये बन रही कि लेट बुआई पर हम जा रहे हैं गेहूँ के अंदर, तो लेट के लिए राज 4238 अच्छी वेरायटी है, थोड़ी सी ड्यूरेशन कम है। तो इस पर्पज़ से मैं अब की बार ये ब्रीडर सीड की बुआई करा रहा हूँ राज 4238 का। बीज हमारा ट्रीटेड था, जैसा कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। ये मैंने फर्टिलाइज़र का डोज इसके अंदर रखा है। पोटास इसमें जो आपको दिख रहा है उसमें से पोटास मैंने नहीं दिया, पोटास ठीक है हमारे सोइल के अंदर। और जो फर्टिलाइज़र दिख रहा है वो मैंने कैसे दिया है, तो मैंने यूरिया एक कट्टा एक हेक्टर में, और जो ये सल्फ़र की क्वान्टिटी है, ये सल्फ़र और जिंक, ये तीनों मिला के तो मैंने इसमें पहले उरवा दिया, क्योंकि मैंने पलेवा करने के बाद में एक बार कल्टीवेटर चलाना ही था, तो मैंने कल्टीवेटर नहीं चलवा के उसमें सीड ड्रिल के अंदर वो यूरिया और आपका सल्फर बेंटोनेट 90% वाला और जिंक मोनो, ये मैंने इसमें पहले उरवा दिया। अभी मैं इसमें सिर्फ गेहूं का बीज और उसके अंदर DAP मिक्स करके, गेहूँ और DAP का मिक्सर करके, और मैं ये बुआई करवा रहा हूँ और कोशिश कर रहे हैं जितना ठीक हो जाए। उधर मेड़े साफ़ कर रही हैं भाइयाँ, क्योंकि काफ़ी खरपतवार हो रखे हैं मेड़ों के ऊपर, तो पहले ही अभी बुआई के टाइम ही क्लीन हो जाए वो ठीक है। तो आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कमेंट करके लिखें। और देखिए गेहूं में आप इस चीज़ का ध्यान रखें, टाइमली बुआई गेहूँ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और पता नहीं ये क्या पॉलिसियाँ हैं अभी स्पेशली सेंट्रल इंडिया के अंदर, जहाँ नहर से पानी लगता है। आज 1 नवंबर हो गई है और अभी तक वहाँ पानी नहीं आया है नहर के अंदर, तो ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको ठीक लगी होगी। यदि खेती से जुड़ी हुई जानकारी आपको चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। नमस्कार, जय हिंद।